तो भाई लोग, क्या आपको भी BGMI के अंदर सिंगल टैप साउंड की प्रॉब्लम आती है? आपको लगता है कि वहाँ पर दो बोटों की फाइट हो रही है, और जैसे ही आप वहाँ पर जाते हो तो वहाँ पर निकलते हैं रियल बंदे और आप पेल दिए जाते हो। अरे हाँ भाई हाँ। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से पीड़ित हो तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना। बाकी मेरे को ये वाली जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही, लेकिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सिंगल टैप साउंड की, उस वीडियो के अंदर अभी के टाइम पे काफ़ी सारे बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये वाली प्रॉब्लम फिर से वापस आ चुकी है, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, एक वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा चलिए इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। मेरे को ये वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, उस ट्रिक का यूज़ करके 99% बंदों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बाकी 1% बंदे हैं उसकी जो प्रॉब्लम है वो कभी भी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि जिसके पास लो एंड डिवाइस है उनको ज़्यादातर ये वाली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो चलिए फटाफट आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो भाई, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पर से आपको अपना जो गेम है उसको लॉग आउट कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पर आप अपने गेम को लॉग आउट करोगे तो यहाँ पर आपको रिपेयर का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जिस भी मैप के अंदर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है उसको सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप कोर सर्कल देख सकते हो, तो कोर सर्कल में आ रही है, तो कोर सर्कल लिविक में आ रही है, लिविक। और अगर आपको दोनों में ये वाली प्रॉब्लम आती है तो आपको दोनों मैप जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ पर नीचे ओके का ऑप्शन है वो ओके दबा देना है। दूसरा कुछ भी आपको नहीं करना है, सिंपली आपको इसे सिलेक्ट कर देना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर मेरी जो है वो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो मैं ओके नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर ओके करोगे तो आपका जो मैप है वो पूरी तरह से रिस्टार्ट हो जाएगा, आपको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मेरे को भाई फिर से डाउनलोड नहीं करना, इसलिए मैं ओके नहीं दबाऊंगा। तो जैसे ही आप ओके दबाओगे तो आपका गेम जो है वो रिस्टार्ट होगा, उसके बाद आपको फिर से ओपन करना है और मैप डाउनलोड करके खेलने लगना है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो 99% सॉल्व हो जाएगी। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।